तो अगले प्रश्न में हमें सिद्ध करना है कि cos ऑफ 3π/4 प्लस x इंटू माइनस cos 3π/4 माइनस x, ये जो होगा ये माइनस √2 साइन x के बराबर होगा, ये हमें सिद्ध करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं। देखिए ये cos c माइनस cos d के फार्मूले को बिलोंग कर रहा है, तो ये cos 3π/4 प्लस x माइनस cos 3π/4 माइनस x cos c माइनस cos d। चूँकि cos c माइनस cos d इक्वल टू होता है 2 टाइम्स साइन c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन d माइनस c अपॉन 2। इसके उपयोग से हम इसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स साइन c प्लस d, तो 3π/4 प्लस x प्लस 3π/4 माइनस x और ये अपॉन 2। फिर साइन डी माइनस सी, डी का मतलब है ये 3π/4 माइनस एक्स और माइनस सी, मीन्स 3π/4 और ये माइनस एक्स अपॉन 2। आगे हल करेंगे तो मिलेगा 2 टाइम्स साइन, ये माइनस एक्स और ये प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, दोनों को हम ऐड करेंगे तो मिल जाएगा 6π/4 और ये इंटू 1/2। और फिर आगे इसे हल करेंगे तो देखिए ये प्लस 3/4 माइनस 3π प्लस 3π/4 और माइनस 3π/4 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो मिलेगा माइनस 2x अपॉन 2। अब इसे आगे हल करेंगे तो मिल जाएगा 2 टाइम्स साइन 3π/4 और ये साइन ऑफ माइनस x मिलेगा, तो ये माइनस साइन थीटा, चूँकि साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो ये हमें आगे मिल जाएगा माइनस साइन एक्स। अब आगे माइनस टू साइन 3π/4 को आप लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई फोर इंटू साइन एक्स, यदि आपको वैल्यू पता है तो डायरेक्टली आप पुट कर सकते हैं और नहीं तो इस तरीके से आगे सॉल्व कीजिए, तो इक्वल टू माइनस टू साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो इस तरीके से ये साइन पाई बाई फोर हो जाएगा और फिर ये साइन एक्स, तो ये माइनस टू और साइन पाई बाई फोर 1/√2 और फिर ये साइन एक्स, इसे आगे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा माइनस √2 साइन एक्स और विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही हमें सिद्ध करना था। अगले प्रश्न में हमें सिद्ध करना है कि साइन 5a माइनस साइन 3a अपॉन कॉस 5a प्लस कॉस 3a ये इक्वल टू होगा 10a के। लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं तो अंश में देखिए ये साइन सी माइनस साइन डी को बिलोंग कर रहा है और नीचे हर में कॉस सी प्लस कॉस डी को बिलोंग कर रहा है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स कॉस 5a प्लस 3a अपॉन 2 और फिर साइन 5a माइनस 3a अपॉन 2, ये साइन सी माइनस साइन डी से हो गया और नीचे कॉस सी प्लस कॉस डी, तो ये होगा 2 टाइम्स कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 और फिर कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। आगे देखिए ये जो 2 कॉस 5a प्लस 3a/2 है ये अंश में भी है और हर में भी है, ये दोनों पक्ष कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों पद कैंसिल हो जाएंगे और अल्टीमेटली हमें मिलेगा साइन ऑफ, देखिए 5a माइनस 3a दैट इज़ 2a और 2a अपॉन 2 दैट इज़ a, और इसी तरीके से हर को आप सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा कॉस ए, तो साइन ए अपॉन कॉस ए दैट इज़ इक्वल टू 10a विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इस तरीके से यह भी सिद्ध हुआ। अगला प्रश्न है सिद्ध कीजिए साइन ऑफ ए प्लस साइन 3a अपॉन कॉस ए प्लस कॉस 3a ये इक्वल टू होगा 10 ऑफ 2a के, इसे हमें सिद्ध करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के चलते हैं, देखिए साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला आप अंश पे लगा सकते हैं और हर में कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला लगा सकते हैं, तो इसे हम लिखेंगे 2 टाइम्स साइन सी प्लस डी, तो ये ए प्लस 3a अपॉन 2 और फिर कॉस ए माइनस 3a अपॉन 2, हर में है कॉस सी प्लस कॉस डी, तो इसे आप लिखेंगे 2 टाइम्स कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 और फिर कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। ये देखिए ये पद और ये पद दोनों अंश और हर में है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन ए प्लस 3a दैट इज़ 4a, 4a अपॉन 2 दैट इज़ 2a
और हर में आपको मिल जाएगा cos 2a। इसे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा आपको tan 2a विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से यह सिद्ध होता है। तो इसी प्रकार आप एक प्रश्न को हल कर सकते हैं। ये प्रश्न कुछ इस तरीके से है जहाँ पे आपको सिद्ध करना है साइन 2a प्लस साइन 2b अपॉन cos 2a प्लस cos 2b इक्वल टू tan ऑफ a प्लस b। जिस तरीके से हमने ये फार्मूला इस्तेमाल किया उसी तरीके से इस प्रश्न को भी आप सिद्ध कर सकते हैं। तो अगले प्रश्न में हमें सिद्ध करना है साइन ए प्लस साइन बी अपॉन कॉस ए प्लस कॉस बी इक्वल टू टेन ऑफ ए प्लस बी अपॉन टू। सिमिलरली पिछले प्रश्न में जैसा हमने किया था वही सेम फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। साइन सी प्लस डी साइन सी प्लस साइन डी दैट इज़ टू टाइम्स साइन सी प्लस डी अपॉन टू एंड कॉस सी माइनस डी अपॉन टू। कॉस ए प्लस कॉस बी ये कॉस सी प्लस कॉस डी के फॉर्म पे है तो इसे आप लिखेंगे टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू एंड देन कॉस सी माइनस डी अपॉन टू। ये पद और ये पद सिमिलर है कैंसिल हो जाएंगे। ये टू और ये टू भी कैंसिल हो जाएगा। अंत में आपके पास बच रहा है साइन ऑफ ए प्लस बी अपॉन टू और फिर कॉस ऑफ ए प्लस बी अपॉन टू। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होता है तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा टेन ऑफ ए प्लस बी अपॉन टू विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से यह भी सिद्ध होता है। अगले प्रश्न में हमें सिद्ध करना है साइन फाइव पाई बाई ट्वेल्व माइनस साइन पाई बाई ट्वेल्व अपॉन कॉस फाइव पाई बाई ट्वेल्व प्लस कॉस पाई बाई ट्वेल्व ये इक्वल टू होगा वन बाई रूट थ्री के। ये हमें सिद्ध करना है। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं। देखिए ये साइन सी माइनस साइन डी को बिलोंग करता है और हर में जो राशि दिख रही है ये कॉस सी प्लस कॉस डी को बिलोंग कर रहा है। तो इस तरीके से हम आगे लिख सकते हैं साइन सी माइनस साइन डी तो टू टाइम्स कॉस सी प्लस डी अपॉन टू और फिर साइन सी माइनस डी अपॉन टू फिर अपॉन कॉस सी प्लस कॉस डी टू टाइम्स कॉस फाइव पाई बाई ट्वेल्व प्लस पाई बाई ट्वेल्व अपॉन टू और फिर कॉस फाइव पाई बाई ट्वेल्व माइनस पाई बाई ट्वेल्व अपॉन टू। तो देखिए ये टू और ये टू कैंसिल हो जाएगा और इसी तरीके से कॉस ये वाला पद और कॉस ये वाला पद कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो बच रहा है ये साइन अपॉन कॉस के फॉर्म पर है। तो चलिए आगे हल करते हैं। साइन दोनों का एलसीएम आएगा 12 फाइव पाई माइनस पाई दैट इज़ फोर पाई अपॉन 12 और ये 1 बाई टू। सिमिलरली कॉस फोर पाई अपॉन 12 इंटू 1 बाई टू। आगे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा साइन देखिए ये चार और ये तीन चार तिया 12 तो ये तीन आ जाएगा और तीन दुनी 6 तो इस तरीके से आ जाएगा पाई बाई 6 अपॉन कॉस पाई बाई 6 विच इज़ इक्वल टू 10 पाई बाई 6 और 10 पाई बाई 6 होता है 1 बाई रूट 3 और यही है हमारा राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से यह सिद्ध हुआ। अगले प्रश्न में हमें सिद्ध करना है कॉस 2b प्लस कॉस 2a अपॉन कॉस 2b माइनस कॉस 2a विच इज़ इक्वल टू कॉट a प्लस बी इंटू कॉट a माइनस बी। ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए इसके लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं। तो अंश में देखिए ये कॉस सी प्लस कॉस डी के फॉर्म पे है और हर में कॉस सी माइनस कॉस डी के फॉर्म पर है तो डायरेक्टली हम इसमें फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमें मिलेगा टू टाइम्स कॉस सी प्लस डी अपॉन टू और साइन सी माइनस डी अपॉन टू और फिर ये अपॉन कॉस सी माइनस कॉस डी। तो इसे आप लिखेंगे टू साइन 2b प्लस 2a अपॉन 2 और साइन 2a माइनस 2b अपॉन 2। आगे सॉल्व करने पर देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। उसी तरीके से ये साइन वाला पद और ये साइन वाला पद दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर ये जो हमें दिखाई दे रहा है तो आगे हल करने पर ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा। इसी तरीके से ये कॉस 2b प्लस 2a अपॉन 2 और ये साइन 2b प्लस 2a अपॉन 2 ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हम कॉट थीटा के फॉर्म पे लिख सकते हैं तो दिस इज़ नथिंग बट कॉट ऑफ a प्लस b। तो आगे से हल करते हैं।
लेफ्ट हैंड साइड में देखिए कि ये कॉस सी प्लस कॉस डी के फॉर्म को बिलोंग कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं टू टाइम्स कॉस सी प्लस डी अपॉन टू और फिर कॉस सी माइनस डी अपॉन टू, तो टू बी माइनस टू ए अपॉन टू। सिमिलरली कॉस सी माइनस कॉस डी, इसे आप लिख सकते हैं टू टाइम्स साइन टू बी प्लस टू ए अपॉन टू और साइन ये डी माइनस सी होता है, तो ये टू ए माइनस टू बी अपॉन टू होगा। ये टू और ये टू कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये कॉस टू बी प्लस टू ए अपॉन टू, तो इसे आप लिख सकते हैं कॉस बी प्लस ए और हर में भी है कॉस बी प्लस ए। अब आगे देखें तो यहाँ पर ये हमें कॉस मिलेगा बी माइनस ए और यहाँ पर हर में हमें मिल रहा है ए माइनस बी। तो कॉस ऑफ, चूँकि कॉस ऑफ माइनस थीटा ये कॉस थीटा के बराबर होता है, तो इसके क्रम को परिवर्तित करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो आप लिख सकते हैं कॉट थीटा, तो ये कॉट ऑफ ए प्लस बी या फिर बी प्लस ए लिखिए, दोनों सही हैं। फिर ये इसे हमने कन्वर्ट कर दिया था कॉस ऑफ ए माइनस बी में और ये था साइन ए माइनस बी, तो अगेन दिस इज़ नथिंग बट कॉस कॉट ए प्लस बी और ये है कॉट ए माइनस बी विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये प्रश्न भी सिद्ध होता है। अगले प्रश्न में हमें सिद्ध करना है कि साइन 10 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री प्लस साइन 40 डिग्री प्लस साइन 50 डिग्री ये इक्वल टू होगा साइन 70 डिग्री प्लस साइन 80 डिग्री के। लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं, तो देखिए ये प्रथम दो पदों को ले ले और अंतिम दो पदों को ले ले, तो ये साइन सी प्लस साइन डी और ये भी साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्म पर है, तो डायरेक्टली हम इसे लिख सकते हैं टू टाइम्स साइन सी प्लस डी बाई टू दैट इज़ 10 प्लस 20 अपॉन टू और कॉस 10 माइनस 20 अपॉन टू। इसी तरीके से आप लिखेंगे टू टाइम्स साइन 40 प्लस 50 अपॉन टू और कॉस 40 माइनस 50 अपॉन टू। आगे हल करने पर आपको मिलेगा टू टाइम्स साइन 20 प्लस 10 दैट इज़ 30, 30 अपॉन टू 15 और फिर कॉस 10 माइनस 20 दैट इज़ माइनस 10, माइनस 10 अपॉन टू माइनस 5 और कॉस ऑफ माइनस 5 कॉस 5, चूँकि कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो इस तरीके से हमें मिल जाएगा कॉस 5 डिग्री, कॉस 5 डिग्री प्लस टू टाइम्स साइन 50 प्लस 40 आ जाएगा 90, 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 45 डिग्री और फिर अगला पद है कॉस 40 माइनस 50 दैट इज़ माइनस 10, माइनस 10 अपॉन 2 करेंगे तो मिल जाएगा माइनस 5 और कॉस ऑफ माइनस 5 कॉस 5, चूँकि कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो इसे हम लेफ्ट हैंड साइड से हल करेंगे, लेकिन ये जो अगर साइन 10 डिग्री और साइन 50 डिग्री को ले लिया जाए तो 10 और 50 मिल जाएगा 60 और 20 और 40 मिल जाएगा 60, तो इस तरीके से हम इसकी पेयरिंग करेंगे कि साइन 10 डिग्री प्लस साइन 50 डिग्री, ये साइन सी प्लस साइन डी को उपयोग करेंगे और इसी तरीके से इन दोनों के लिए साइन 20 प्लस साइन 40 इसके लिए भी हम साइन सी प्लस साइन डी का उपयोग करेंगे, तो साइन सी प्लस साइन डी दैट इज़ टू टाइम्स साइन सी प्लस डी बाई टू अप और फिर कॉस सी माइनस डी अपॉन टू, फिर प्लस टू टाइम्स साइन सी प्लस डी दैट इज़ 20 प्लस 40 अपॉन टू और फिर कॉस 20 माइनस 40 अपॉन टू, तो ये मिल जाएगा टू टाइम्स साइन 50 प्लस 10 60, 60 अपॉन टू दैट इज़ 30 और फिर ये कॉस 10 माइनस 50 करेंगे तो मिल जाएगा माइनस 40, माइनस 40 अपॉन टू माइनस 20 और कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये मिल जाएगा हमें कॉस 20, फिर प्लस टू साइन इसे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा साइन 30 और फिर कॉस 20 माइनस 40 माइनस 20 मिलेगा, माइनस 20 अपॉन 2 करेंगे तो माइनस 10 मिलेगा और चूंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है तो इस वजह से हमें ये कॉस 10 मिलेगा। जो जो स्टैंडर्ड एंगल्स हैं उसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो 2 इंटू 1 बाई 2 और ये कॉस 20 प्लस 2 इंटू 1 बाई 2 कॉस 10 डिग्री, ये 2 और ये 1 बाई 2, ये 2 और ये 1 बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, आपको यहाँ पर मिल रहा है कॉस 20 प्लस कॉस 10 डिग्री। हमें जो सिद्ध करना है ये साइन के पदों में है और हमें यहाँ पर जो मिल रहा है ये कॉस के पदों में है, तो कॉस को हम साइन के पदों में लिख सकते हैं, तो कॉस इसे लिखा जा सकता है 90 माइनस
70 और cos 10 को लिखा जा सकता है cos 90 माइनस 80। cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा sin 70 डिग्री प्लस cos 90 माइनस थीटा अगेन sin थीटा, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा sin 80 डिग्री विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही हमें सिद्ध करना था। अगले प्रश्न में हमें सिद्ध करना है cos a + b sin a + b ये इक्वल टू होगा 2 टाइम्स sin 45 डिग्री प्लस a और इनटू cos 45 प्लस a, इसके बराबर हमें सिद्ध करना है। तो इसे सिद्ध करने के लिए हमेशा की तरह हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं, और ये ध्यान दीजिए कि ये cos ऑफ a प्लस b है और दूसरा sin ऑफ a माइनस b है। तो या तो दोनों को हम cos के रूप में लिखते हैं या दोनों को हम sin के रूप में लिखते हैं। तो इस पहले पद को मैं लिख रहा हूँ sin के पदों में, तो इसे हम लिख सकते हैं sin 90 माइनस थीटा, 90 माइनस a प्लस b, और फिर ये प्लस sin a माइनस b। तो यदि इस एंगल को c माना जाए, इस एंगल को d माना जाए, तो ये sin c प्लस sin d के फार्मूले को बिलोंग कर रहा है। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स sin c प्लस d बाई 2। तो ये 90 माइनस a और ये माइनस b प्लस a माइनस b अपॉन 2 हो जाएगा, और फिर cos c माइनस d, तो ये 90 माइनस a माइनस b और ये माइनस a और माइनस और माइनस प्लस b अपॉन 2 हो जाएगा। आगे सॉल्व करने पर मिलेगा हमें 2 टाइम्स sin, ये देखिए ये माइनस a और ये प्लस a कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आ रहा है 90 माइनस 2b अपॉन 2, और अगला पद है cos, ये माइनस b और प्लस b कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर मिल रहा है 90 माइनस 2a अपॉन 2। आगे सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 2 टाइम्स sin 90 माइनस 45 माइनस b, और आगे मिल जाएगा cos 45 माइनस a। हमें जो सिद्ध करना है वो देखिए कि ये sin 2 टाइम्स sin 45 प्लस a और cos 45 प्लस a है। तो ये जो एंगल है इसे हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स sin 45 को लिख सकते हैं 90 माइनस 45 डिग्री, और फिर ये माइनस b, और ये cos को 45 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 45 माइनस a, या फिर आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स sin 90 माइनस 45 डिग्री प्लस b, और फिर cos 90 माइनस 45 डिग्री प्लस a। sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो आपको मिल जाएगा 2 टाइम्स cos 45 प्लस b, और cos 90 माइनस थीटा ये sin थीटा, तो आपको मिल जाएगा sin 45 प्लस a, और विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से यह भी सिद्ध हुआ। अगले प्रश्न में हमें सिद्ध करना है कि cos 9x माइनस cos 5x अपॉन sin 17x माइनस sin 3x ये इक्वल टू होगा माइनस ऑफ sin 2x अपॉन cos 10x के, ये हमें सिद्ध करना है। लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं, ये cos c माइनस cos d को बिलोंग कर रहा है, और नीचे वाला जो हर है ये sin c माइनस sin d को बिलोंग कर रहा है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स sin c प्लस d, दैट इज 9x प्लस 5x अपॉन 2, और फिर cos sin d माइनस c, तो ये 5x माइनस 9x अपॉन 2, फिर अपॉन sin c माइनस sin d, तो ये मिलेगा 2 cos c प्लस d अपॉन 2, और फिर sin c माइनस d अपॉन 2। आगे सॉल्व करेंगे तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अगला है sin 9 और 5 को जोड़ेंगे मिलेगा 14, 14 बटे 2 तो आपको मिल जाएगा 7, और इसी तरीके से 5 ऋण 9 करेंगे तो मिल जाएगा ऋण 4, ऋण 4 बटे 2 तो ऋण 2, तो sin ऑफ माइनस 2x, फिर अपॉन ये cos 17 और 3 को जोड़ेंगे मिलेगा 20, 20 में 2 को भाग देंगे मिलेगा 10, तो इस तरीके से ये cos 10x, और फिर ये sin 17 में 3 घटाएंगे मिलेगा 14, 14 में 2 का भाग देंगे तो मिलेगा 7, तो इस तरीके से ये sin 7x। अब ये देखिए कि ये sin 7x और ये sin 7x ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और चूंकि sin ऑफ माइनस थीटा माइनस sin थीटा होता है, तो इस तरीके से हमको मिल जाएगा ये माइनस sin 2x अपॉन cos 10x, और ये है राइट हैंड साइड के बराबर। तो इस तरीके से ये सिद्ध हुआ।
अगले प्रश्न में हमें सिद्ध करना है कि साइन 5x प्लस साइन 3x अपॉन कॉस 5x प्लस कॉस 3x ये टेन ऑफ 4x के बराबर होगा, ये हमें सिद्ध करना है। तो इस प्रश्न में भी हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलेंगे। अंश में देखिए साइन c प्लस साइन d है और हर में ये कॉस c प्लस कॉस d को फॉर्म को बिलोंग कर रहा है। तो अंश में हमें मिल जाएगा 2 टाइम्स सी प्लस डी बाई 2 दैट इज़ 5x प्लस 3x अपॉन 2 और फिर कॉस 5x माइनस 3x अपॉन 2 फिर अपॉन कॉस सी प्लस कॉस डी तो 2 टाइम्स कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 और फिर कॉस सी माइनस डी अपॉन 2 ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा और फिर ये कॉस वाला ये वाला पद और ये वाला पद कैंसिल हो जाएगा। तो साइन 5x प्लस 3x मिल जाएगा 8x 8x अपॉन 2 मिल जाएगा 4x। तो इस तरीके से अंश में आपको मिलेगा साइन 4x और हर में मिलेगा कॉस 4x साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दैट इज़ टेन थीटा और विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से यह भी सिद्ध हुआ।